मीडिया को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, हमारी कॉलोनी में मीडिया रेस्ट्रिक्टेड है, हमें कॉलोनी के अंदर बंद किया जा रहा है। श्रीनगर के चारोरा तहसील कार्यालय के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने 14 मई को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। राहुल भट्ट को 12 मई को बड़गाम में उसके कार्यालय में मिलिटेंटों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कश्मीरी पंडित भट्ट को न्याय दिलाने की मांग को लेकर घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, मुझे बहुत दुख है कि एडमिनिस्ट्रेशन मोदी जी, जिनसे हम बहुत आशा करते हैं, हम उनको इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आज राहुल जी का 10वां दिन है, अभी तक वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब को या किसी हायर अथॉरिटी को नहीं भेजा हमारी समस्याएं हल करने के लिए। हमारी एक ही डिमांड थी कि हमें यहाँ से रिलोकेट करें, किसी सेफर जगह पे पहुँचा दें। हम काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है हम काम नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं, बट किसी सेफ जगह पे जहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित हों। आज 10वां दिन है, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ गेम खेली जा रही है, मीडिया को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, हमारी कॉलोनी में मीडिया रेस्ट्रिक्टेड है, हमें कॉलोनी के अंदर बंद किया जा रहा है, हमें किसी भी मीडिया पर्सन को अलाउ नहीं है अंदर आना जो कि हमें कवर करे, हमारा प्रोटेस्ट कवर। आज 10वां दिन है, 12 तारीख को राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी, तो आज उनका 10वां दिन है। 10 दिन से हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कुछ नहीं, उससे हमें प्रॉमिसेस दे रही है, आपको ट्रांसफर करेंगे, आपको अकोमोडेशन देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, बट हम सबका कहना ये है कि ये लॉलीपॉप्स है, क्योंकि अगर आपको ये इश्यूज सुनने थे तो आप 12 सालों में सुन चुके होते हैं। 12 सालों में आपने हमारी फाइल्स को यहाँ से वहाँ फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया, जब 12 सालों में आपको समझ नहीं आया, शायद आज ये कम्युनिटी जाग चुकी है, तो इसी का नतीजा है कि पिछले 2-3 दिन से हमें प्रॉमिस किए जा रहे हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, मगर अब हमारा ये सोल्यूशन नहीं है। हम सिर्फ यहाँ से रिलोकेट होना चाहते हैं, कश्मीर से बाहर, जब तक कि कश्मीर में हालात सॉल्व नहीं हो जाते, साफ नहीं हो जाते, ठीक नहीं हो जाते, तब तक हमें सेफर प्लेसेस पे आउटसाइड कश्मीर रिलोकेट करिए। जब आपको लगता है फुल प्लान के साथ वापस आएंगे तो हमें वापस ला दीजिए। अशोक कोल जी आए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, आश्वासन दिया, बस कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई सॉलिड सोल्यूशन हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं निकाला। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया हमारे साथ, उन्होंने क्या किया है, हमें डिवाइड एंड रूल करना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने अलग अलग से लोगों को कॉल करके, गवर्नर हाउस से कॉल करवा के, ट्रांसफर लिस्ट, प्रमोशन लिस्ट, अकोमोडेशन, जो कि हमारे अभी तक के इश्यूज थे वो सॉल्व हो रहे हैं, मगर जो हमें अभी चाहिए, हमें इन सब में से कुछ नहीं चाहिए, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें अकोमोडेशन नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफर टू जम्मू चाहिए। यहाँ पे हर दिन एक सिक्योरिटी वाले की डेथ होती है, ठीक है, पुलिस वालों को मारा जाता है, जब ये पुलिस वाले खुद सेफ नहीं है तो हमें कैसे सेफ फील कराएंगे, बताइए। और पूरे दिन में हमें घर भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, आप हमारे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते जो 24 घंटे हमारी प्रोटेक्शन करेगा, तो इसलिए हमें कहीं पर भी मार दिया जा सकता है, हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज हमारी बात आगे तक पहुंचाइए कि हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते जब तक यहाँ पे हालात ठीक नहीं हो जाते। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।